लंबे समय से आर्मी में भर्ती नहीं होने से युवाओं में रोष है। हरियाणा के कई जिलों में युवाओं ने प्रदर्शन कर अपना गुस्सा जताया। प्रदर्शन कर रहे युवा बढ़ती उम्र को लेकर भी चिंतित दिखाई दिए। ओवरएज होने पर सेना में भर्ती की योग्यता खत्म हो जाएगी। ऐसे में युवा सालों की मेहनत के बाद भी सेना में भर्ती होने के सपने को पूरा नहीं कर पाएंगे। भर्ती में हो रही देरी को लेकर आक्रोशित युवाओं ने प्रशासन से जल्द भर्ती निकालने की मांग की है, साथ ही बड़े प्रदर्शन करने की भी चेतावनी दी। दो तीन साल से भर्ती प्रक्रिया बंद थी, इसलिए युवा में दोष है और रोष प्रकट करने के लिए क्या है यहाँ इकट्ठे हुए थे। दो तीन साल से कोरोना काल के कारण से गवर्नमेंट भी इसमें विवश थी, इसलिए भर्ती नहीं हो सकी। अभी जो क्राइम बढ़ता जा रहा है, इसलिए क्या है गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए कि बच्चा रोजगार के उसमें चला जाएगा तो ये दूसरी चीज से भटकना बंद कर देगा। इसलिए प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री से आवेदन है कि इसको जल्दी से जल्दी भर्ती प्रक्रिया खोल दिया जाए, जिससे बच्चे अपने भविष्य की तरफ सोचते और दूसरी चीज की तरफ से भटकना ना जाए। भाई आज विरोध प्रदर्शन आर्मी भर्ती खातर हो रहा है, पिछले दो साल तीन साल से भर्ती नहीं आ रही, हमारी उम्र लिखट दी जा रही है सारी युवा की। और मोदी सरकार के करना रे बस ले है कोरोना बांधा मार है और भर्ती ने टिका दिया। पिछली पांच बार भर्ती टिकली हमारी, छह महीने उम्र लिखट जाएगी, बालक पाछी खा ला रहे, कुछ कोई कार्रवाई नहीं करी सरकार। हासिल से रोजगार कहाँ है, रोजगार होते तो रोड पर भटकते क्या हमें, हमको तो बस अब ये बताओ सारे हम बैठ जाएंगे घर में बैठ जाएंगे रोजगार कर लेंगे। प्रैक्टिस करते डेली रोज भाई किसी रही इस घर के नहीं है, सारे गरीब घर के बालक है। चार से आर्मी की भर्ती नहीं आ रही और बच्चों की एज ली करती जा रही है, एज में छूट मिलनी चाहिए और आर्मी भर्ती जल्दी बहाल होनी चाहिए। जितनी जल्दी हो जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन आना चाहिए और जल्दी से जल्दी हमारी भर्ती होनी चाहिए आर्मी की।